अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं शहबाज खान, ज़िला परिषद उर्दू स्कूल नंबर 1, धरन गांव, ज़िला जलगांव। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जमात सुअम मज़मून उर्दू के सबक नंबर 19, सोने का दरख्त, इस सबक की बुलंद खानी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 19, सोने का दरख्त। दोपहर को नादो अपने अब्बा के साथ खाना खा रही थी, इतने में माली एक ताज़ा नारियल लाया। अब्बा ने उसमें एक सुराख करके नाज़ो को दिया। नाज़ो सुराख से मुंह लगाकर नारियल का ठंडा और मीठा पानी पीने लगी। पानी ख़त्म हो गया तो अब्बा ने नारियल के दो टुकड़े कर दिए। नाज़ो चमचे से खुरच खुरच कर उसका बालाई जैसा सफ़ेद गुदा खाने लगी। खाने के बाद नाज़ो और उसके अब्बा बाग में टहलने गए। वहाँ नारियल के बड़े बड़े दरख्त यूँ खड़े थे जैसे किसी ने छाते खोल दिए हो। अब्बा ने नाज़ो को बताया कि नारियल के दरख्त को सोने का दरख्त भी कहते हैं। ये सुनकर नाज़ो की बड़ी बड़ी आंखें हैरत से फैल गई। मगर अब्बा, ये दरख्त तो सोने का नहीं, लकड़ी का है। हाँ बेटी, ये सोने का बना हुआ तो नहीं है, मगर इसका हर हिस्सा किसी न किसी काम में आता है। कोई चीज़ बेकार नहीं जाती, इसीलिए इसे सोने का दरख्त कहते हैं। नाज़ो, अब्बा, इसका तना तो इतना ऊंचा है, ये किस काम आता है? अब्बा, इसके तने से माहीगीर कश्तियाँ बनाते हैं, इससे घरों की छत भी बनाई जाती है। नाज़ो, अब्बा, इसके पत्ते कितने बड़े बड़े हैं, हवा में झूमते हुए कितने भले मालूम होते हैं, इनसे क्या बनता होगा? अब्बा, पत्तों से तो बहुत सी चीज़ें बनती है, पंखे बनते हैं, चटाइयाँ बनती है, झोपड़ों की छतें छाई जाती है। नाज़ो, अब्बा, नारियल को खोपरा भी तो कहते हैं। अब्बा, हाँ बेटी, खोपरा खाया भी जाता है और इसका तेल भी निकाला जाता है। खोपरे का तेल बहुत काम की चीज़ है, इससे तरह तरह की मिठाइयाँ बनती है। कुछ लोग इसे घी की बजाय खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं। खोपरे का तेल सर में लगाने और साबुन बनाने के काम भी आता है। नाज़ो, अब्बा, नारियल तो बड़े काम की चीज़ है। अब्बा, हाँ हाँ, अभी तुमने पूरी बात सुनी भी नहीं है। इसके रेशों से रस्सी बटी जाती है, इस रस्सी को काता कहते हैं। काते से पायदान और चारपाइयाँ बुनी जाती है। नाज़ो, और अब्बा, इसके खोल से पानी निकालने के डोंगे भी तो बनाए जाते हैं। अब्बा, हाँ नाज़ो, ये तुमने खूब कहा, नारियल की हर चीज़ काम में आती है, इसीलिए तो इसे सोने का दरख्त कहते हैं।